गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को। हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 1 अगस्त और शाम के बज रहे हैं 5:30। बेहद भयानक सेशन था आज निफ्टी का फ्रेंड्स। मार्केट में करीब 3 बजे के करीब एक बार तो निफ्टी तकरीबन 222 पॉइंट डाउन हुआ और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी के बाद फाइनली बंद होता है 138 पॉइंट गिरकर। एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। बहुत खास है सेशन ये और इसकी वजह यह है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी मिस्टर सिद्धार्थ जी की डेथ की, जो कि CCD से जुड़े हुए थे। और इस पर्टिकुलर इंसिडेंस के बाद में CCD के बारे में हमने कुछ खोजबीन की, उसकी थोड़ी स्टडी की और उसके बाद उसे शेयर किया अपनी लर्न टू अर्न सीरीज़ जो रात को चलती है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, जिसमें हमने उसे उनके साथ में ये डिस्कस किया जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ, कि क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी अवेलेबल थी हमारे पास में इससे पहले कि जो नए निवेशकों के लिए ज़रूरी थी। और अगर वो सिर्फ 5 मिनट का वक्त इस कैफ़े कॉफ़ी डे की बैलेंस शीट के ऊपर लगाते तो उन्हें ये पता चल सकता था कि जो कैफे कॉफी डे के अंदर लेटेस्ट गिरावट हुई 2 दिनों के अंदर 20% की लोअर सर्किट की, इससे बता जा सकता था। आज का ये सेशन सिर्फ और सिर्फ इसी इन्फॉर्मेशन के लिए है। ज़रा देखिए, लगातार पिछले 3 दिनों से शेयर 20% के 2 दिनों का सर्किट लोअर सर्किट और 1 दिन का 10% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप ये जान सकते थे कि कंपनी की हालत ख़राब है? आंसर है बिल्कुल। फ्रेंड्स, शेयर एकेडमी के अंदर एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलती है एक फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट, जिसके अंदर टोटल अभी तक 18 वीडियोस हैं। इन वीडियो में से हम सिर्फ 2 वीडियोस उठा रहे हैं आज। एक, प्रमोटर होल्डिंग क्या है और कितना यूजफुल है, ये वीडियो हमने दिया था, तकरीबन 18 मिनट का वीडियो है। और दूसरा वीडियो है बॉटम लाइन क्या है और बॉटम लाइन कितना यूजफुल है। ज़रा देखिए कि सिर्फ इन 2 वीडियोस की बेसिस पर कैफे कॉफ़ी डे को हम एनालाइज करते हैं और आपको पहले बताते हैं कि इन दोनों वीडियोस में हमने आपको क्या सिखाया और उस इन्फॉर्मेशन को आप सिर्फ और सिर्फ क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कैफे कॉफी डे की बैलेंस शीट पर, आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग्स क्या है और कितना यूजफुल है, इसका एक जरा सा पार्ट आपको सुनवा रहे हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा कि आखिर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने आपके साथ में क्या डिस्कस किया था। ओके, खरीदना चाहिए। साथ ही प्रमोटर होल्डिंग एक और बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन आपको देती है। क्या कई बार प्रमोटर्स मार्केट से पैसा उठाने के लिए क्या करते हैं, अपने शेयर्स गिरवी रख देते हैं। सिंपल, अपने शेयर्स गिरवी रख देंगे और पैसा उठा लेंगे और उसके बाद उन शेयर्स को कभी भी नहीं छुड़ाएंगे। अगर कोई कंपनी जिसकी हालत धीरे धीरे खराब हो रही है और उसके प्रमोटर्स को यह पता है कि कंपनी की हालत खराब है, तो आपको उनके प्रमोटर्स के शेयर प्लेज्ड मिलेंगे। यहां देखिए, शेयर्स प्लेज्ड और अदरवाइज इनकम्बर्ड। ठीक, तो इसका मतलब है कि शेयर्स प्लेज्ड हो रहे हैं। प्लेज्ड का मतलब गिरवी रख दिया है किसी के पास और उसे पैसा उधार ले लिया है। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के शेयर्स गिरवी रखते हैं तो यह हमेशा खराब खबर नहीं होती। मिसाल के लिए पराग मिल्क, फंडामेंटल्स इसके ठीक हैं, बट जरा ध्यान से एक चीज देखिए, प्रमोटर्स के पास कंपनी का कितना हिस्सा है। जिस प्रमोटर के पास 17% हिस्सा है उसने 25% अपने शेयर गिरवी रख रखे हैं। जिसके पास 10% हिस्सा है उसने 8% शेयर गिरवी रख रखे हैं। जिसके पास 10% हिस्सा है उसने 42% अपने शेयर गिरवी रख रखे हैं। तो 10 का 42% यानी अप्रोक्सीमेट 5%, 10 का 8% अप्रोक्सीमेट 8%, तो हो गए 8, 5, 13, और 17 का 25% तो अप्रोक्सीमेटली 5%, यानी 13 और 5, 17, तो करीब करीब 17% हिस्सा प्रमोटर्स का तो गिरवी है इस कंपनी के। पराग मिल्क में नई पोजीशंस बाय करने से पहले जरा इस इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए पराग मिल्क में फ्रेश पोजीशन बाय करने से पहले हमने कहा था कि पराग मिल्क के अंदर अगर फ्रेश पोजीशन लेनी है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज के लिए आप ले सकते हैं, कि पोजीशन लीजिए, 10% का रिटर्न लीजिए और निकल जाइए। इस शेयर के अंदर लंबे समय तक के लिए आप खरीदारी नहीं कर सकते। क्यों? फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स आपको मिलते हैं, ज्यादातर उनके जो प्रमोटर्स हैं उनके शेयर्स प्लेज्ड नहीं मिलते आपको, इसलिए ओके फ्रेंड्स। तो पहली इन्फॉर्मेशन आपको मिली कि अगर किसी कंपनी में आपको निवेश करना है या अगर ट्रेडिंग भी करनी है तो ध्यान रखना है कि कंपनी के शेयर्स प्लेज्ड नहीं होने चाहिए, स्पेशली प्रमोटर्स के शेयर प्लेज्ड नहीं होने चाहिए। नाउ, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग आपको कहां से मिलेगी? मनी कंट्रोल आप सिंपल खोलिए,
उसके सर्च बॉक्स में जाइए, कंपनी का नाम डालिए, कॉफी डे एंटरप्राइजेस, खुल गया। कॉफी डे एंटरप्राइजेस खुलने के बाद सीधा सबसे नीचे बॉटम में आइए, बॉटम में आकर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रमोटर होल्डिंग्स, ओके। और अब हम सीसीडी की प्रमोटर होल्डिंग्स देखने जा रहे हैं कि आखिर सीसीडी के प्रमोटर होल्डिंग्स कैसी है। और ज़रा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, सीसीडी की टोटल प्रमोटर्स जितने भी हैं प्रमोटर्स, उनके पास में जिस प्रमोटर के पास में तकरीबन 6% हिस्सा था, उसने 6% में से 83% हिस्सा अपना गिरवी रख रखा है, ये प्लेज्ड शेयर हैं। जिसके पास 32% हिस्सा था, उसने 32 में से 71% हिस्सा प्लेज कर रखा है। 4% वालों ने 65%, 6% वालों ने 95%, 5% वालों ने 78%, और जिनके पास 0.21% है, उन्होंने अपना 100% हिस्सा गिरवी रख रखा है। यानी अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप के प्लेजिंग के हिसाब से या उनकी जो होल्डिंग्स हैं सिर्फ उसे ही अगर आप स्टडी करते, तो आपके लिए ये क्लियर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि इस कंपनी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। और ये प्लेजिंग की प्रॉब्लम आज की नहीं, बल्कि सीसीडी के अंदर ये प्लेजिंग की हालत कई सालों से। ये सिंपल सी एक 3 मिनट की इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह के शेयर्स के लिए सचेत कर सकती है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपसे मिस होती है तो ज़रा दूसरा वीडियो देखिए, जो कि हमारा वीडियो था कि बॉटम लाइन क्या है और ये कितना यूज़फुल है। ये एक सिंपल सा वीडियो है इसी सीरीज़ में, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ में, और इसे ध्यान से सुनिएगा। बॉटम लाइन है कि कोई कंपनी अपना धंधा करने के बाद साल भर कितना पैसा अपनी जेब में रख रही है, ये है बॉटम लाइन, या जिसे आप दूसरी भाषा में नेट प्रॉफिट कहते हैं, रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट। कि सारे खर्चे निकाल कर सब कुछ अदा करके कंपनी की जेब में कितना पैसा आ रहा है, ये है उसकी बॉटम लाइन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बॉटम लाइन के बारे में क्या है, कि बॉटम लाइन हमेशा साल दर साल बेसिस पर कंपनी की बढ़ती हुई होनी चाहिए। कैसे, ध्यान से देखिए, इन्फोसिस की बॉटम लाइन में रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ये है मार्च 15, देन मार्च 16, मार्च 17, मार्च 18, मार्च 19, ओके। बॉटम लाइन ध्यान से देखिएगा, यह रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट या बॉटम लाइन एक ही चीज़ है, 12,000 करोड़ मार्च 15 में, देन 12,500 करोड़, 13,800 करोड़, 16,000 करोड़, फिर 14,700 करोड़। यहाँ थोड़ी सी जो टॉप लाइन है वो हल्की सी घटी है, उसकी वजह क्या है कि आईटी सेक्टर के ऊपर दबाव आया था। तो साल दर साल बॉटम लाइन बढ़ रही है कंपनी की, इसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग आपको देखनी है, तो कंपनी की बॉटम लाइन जब आप देख रहे हैं तो बॉटम लाइन साल दर साल बढ़नी चाहिए। चलिए एक बॉटम लाइन और हम देखते हैं, जो कि है डाबर की। देखते हैं जरा बॉटम लाइन का क्या फ़र्क है। 762 करोड़, 939 करोड़, 998 करोड़, 1,000 करोड़, 1,264 करोड़, लगातार बढ़ रहा है। साल दर साल बेसिस पर कंपनी की बॉटम लाइन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। नाउ बॉटम लाइन भी सेम टॉप लाइन की तरह दो तरह से एनालाइज की जाती है। कैसे, ध्यान से देखिएगा इसे, ओके फ्रेंड्स। सो इसका मतलब है कि बॉटम लाइन हमेशा कंपनी की बढ़ती हुई होनी चाहिए, जो कि पॉजिटिव रहनी चाहिए। नाउ सेम कंपनी कैफे कॉफी डे, बॉटम लाइन आपको कहां से मिलेगी, सीधे कंपनी के फाइनेंशियल्स खोलिए। फाइनेंशियल के पेज पर आने के बाद कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ओपन कीजिए। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट खुल गया। इस प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का निचला पार्ट जो होता है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का निचला पार्ट, ये बॉटम लाइन कहलाता है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट। और रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट बेसिकली है क्या, कि 100 रुपये का धंधा करके कंपनी अपनी जेब में कितना पैसा ले जा रही है, मतलब कंपनी कितना पैसा अपनी जेब में रख रही है, यह है इसका रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट। तो ज़रा ध्यान से देखिए, जब भी रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट माइनस में है, इसका मतलब है कि कंपनी को लॉस हो रहा है। और क्या सीसीडी को लॉस सिर्फ पिछले 1 साल में या 1.5 साल में ही हुआ है, क्या पिछले 1.5 साल के अंदर हुआ है या फिर 1 साल में हुआ है, ज़रा ध्यान से देखिए। मार्च 15, मार्च 16, 17, 18, 19, यानी ये 5 सालों का ईयरली स्टेटमेंट है। और देखिए मार्च 15 में सीसीडी का लॉस -127 करोड़, यानी 127 करोड़ का घाटा हुआ। 16 में 110 करोड़ का घाटा, देन 79 करोड़ का घाटा, देन 61 करोड़ का घाटा, देन अगेन 67 करोड़ का घाटा। तो कहने का मतलब है, कुछ लोग ये कहेंगे कि कंपनी का घाटा लगातार कम होता जा रहा है। घाटा लगातार कम हो रहा है, बट कंपनी घाटे में तो है ना। और कभी भी जब मार्केट के अंदर आपके पास हज़ारों और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, फ़ायदे वाली कंपनियाँ अवेलेबल हैं, तो घाटे वाली कंपनी में निवेश क्यों करना। एक, और अगर साल दर साल आप देखते हैं तो पिछले साल से कंपनी का घाटा 10% बढ़ा है, यानी
मार्च 18 से मार्च 19 में कंपनी का घाटा 10% बढ़ा है। अगर आप सिंपल इसकी रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी पिछले 5 सालों से लगातार घाटे में है। अब सिंपल एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सिर्फ अगर आप ये देख लेते कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और आपको ये पता चल जाए कि कोई कंपनी पिछले 5 सालों से घाटे में है, तो क्या आप उस कंपनी का शेयर खरीदेंगे? सिर्फ इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। अगर आपको ये पता हो कि कंपनी 5 सालों से घाटे में है तो क्या आप उस कंपनी का शेयर खरीदेंगे? अगर जवाब है नहीं तो फिर बट ऑबवियस था कि सीसीडी को किसी भी समय, जब ये कंपनी आई थी मार्केट में जिस समय नवंबर 2015 से, तब से ये कंपनी घाटे में है, तो इस कंपनी को किसी भी समय खरीदना ही नहीं है। आपको हमेशा ऐसे शेयर्स खरीदने हैं जिनकी कंपनी प्रॉफिटेबल हो। जब कंपनी खुद प्रॉफिट जनरेट कर रही है तब ना आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका अप्रिसिएशन होगा। अगर कंपनी खुद ही प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही, अपने आप को ही नहीं संभाल पा रही है, तो निवेशकों के प्रिंसिपल में अप्रिसिएशन या उनके निवेश में अप्रिसिएशन कहाँ से आएगा? इसलिए फ्रेंड्स, ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। और इस पूरे वीडियो में कितनी देर लगी है? अगर बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आप हटा दें तो क्रक्स इन्फॉर्मेशन में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगाए। आपको सिर्फ दो काम करने थे, प्रमोटर्स का होल्डिंग देखना है, पता चला आपको कि वो प्लेज्ड है, प्लेज्ड है तो फिर उसे सीधे हटा देना है। प्लेजिंग के बाद सीधा अगला खोलना है कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और देख लेना है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं और लगातार बढ़ती जा रही है या नहीं। इन दो इन्फॉर्मेशंस को अगर आपने किया होता तो आप कैफे कॉफी डे जैसे शेयर से हमेशा दूर रहते। और अगर आप इस शेयर से दूर रहते तो जरा देखिए, 195 रुपये से ये शेयर 3 दिनों के अंदर आधा हो जाता है, 110 रुपये पर आ जाता है। यानी आपके निवेश का 50% हिस्सा बच जाता, आपके लॉस का पूरा पूरा लॉस आपका बच जाता। आपको मालूम होता कि इस तरह की कंपनीज में निवेश नहीं करना है। और ये वजह है फ्रेंड्स कि जितने भी मार्केट गुरु, जो हमारी ये सीरीज चल रही है निवेश के आसान नियम, जितने भी ये मार्केट गुरु हैं, इन सभी ने ये बताया है कि कंपनी में बाय करने से पहले आपको कंपनी को अच्छी तरह से समझना होता है, उसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, उसकी बैलेंस शीट देखनी चाहिए। एक 3 मिनट की इन्फॉर्मेशन आपको नुकसान से बचा सकती है। और यही वजह है कि ये जो छोटी सी केस स्टडी है ये नए निवेशकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ज़रा सी केस स्टडी देखकर आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी कि कंपनी की बैलेंस शीट देखना किसी भी निवेश से पहले कितना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें ये बताइए कि क्या ये इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको ज़रा सी इन्फॉर्मेशन दी है, इससे कुछ सीखने के लिए मिला है आपको? और अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जो ये हमारी लिस्ट है फंडामेंटल एनालिसिस की, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे वीडियोस हैं बट ये वीडियोस अगर आप देख लेते हैं, कितने 14 मिनट्स के, 15 मिनट्स के वीडियोस, ये वीडियोस आपके निवेश को न केवल बढ़ाने का काम करेंगे बल्कि भविष्य में होने वाली आपकी निवेश संबंधी गलतियों को कम करने का भी काम करेंगे। आपको पता चलेगा किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। एक ज़रा से वीडियो से आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी निवेश के लायक है और कौन सी कंपनी कचरा है। कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि थोड़ा सा वक्त निकालकर जो हमारी ये प्लेलिस्ट है, इसके अंदर स्पेशली लर्न टू अर्न सीरीज, जिसके अंदर कि हमने टेक्निकल एनालिसिस सिखाया है, और फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके अंदर हमने फंडामेंटल्स कुछ सिखाने की कोशिश की आपको, इन वीडियोस को थोड़ा थोड़ा देखिए, इन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। अगर ये आपके लिए प्रॉफिटेबल हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि जो आज का हमारा ये सेशन है इससे आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर एकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहां पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर एकेडमी के साथ, और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।